भगवान मैं हृदय की वेदना व्यक्त करना चाहता हूं जो कि मैंने आज तक किसी से व्यक्त नहीं की। मेरे मन की हालत खंड खंड हो गई है। एक तरफ सत्संग का प्रेम और परमात्मा से मिलन की चाहत और दूसरी तरफ भौतिक काम वासना की तरफ हर पल का झुकाव। आज प्रौढ़ावस्था तक उससे छुटकारा नहीं पा सका हूं। समझ आती है तो अधूरी रहती है और स्त्री शरीर के अनेक अनुभवों के बावजूद भी और ज्यादा वृत्ति तंग करती है। सब अच्छी कही हुई बातें और सिखावने बाहरी रह जाती। मैं वहीं का वहीं सब भूलकर लोलुप हो जाता हूं। वासना मन को घेरे रहती है। स्वप्न में भी वही चलता है। किस क्रिया से मैं छुटकारा या समता पा सकूं वह रास्ता दिखाएं, कृपा करें। राधा रमन अभी मैंने जो कहा उस पर विचार करना। क्यों छुटकारा चाहते हो? किसने तुमसे कहा कि छुटकारा चाहो? छुटकारा चाहने की चेष्टा में ही उपद्रव हो रहा है। वासना को अंगीकार करो। प्रकृति से मिली है, तुमने कुछ बनाई नहीं। अगर कोई कसूरवार होगा कभी तो परमात्मा कसूरवार होगा, तुम कसूरवार नहीं। इतना मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि परमात्मा तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम काम वासना में क्यों जिए, और पूछे तो उसका कॉलर पकड़ के हिला देना और कहना कि दी थी तुमने, मेरा क्या कसूर था? ना बनाते नहीं, परमात्मा ने कभी किसी से पूछा नहीं, कैसे पूछेगा? तुम अपनी तस्वीर में लाल रंग भरो और फिर तस्वीर पर नाराज हो जाओ कि इसमें लाल रंग क्यों है, तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। तुम्हें ने लाल रंग भरा है। अगर कोई कसूरवार है तो परमात्मा कसूरवार होगा, तुम तो कसूरवार नहीं हो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं तुम्हारे कसूर से। तुम ये पाप का भाव छोड़ो। और मजा ये है और विरोधाभास भी, अगर पाप का तुम भाव छोड़ दो वासना के प्रति तो कभी के मुक्त हो गए होते, प्रौढ़ावस्था तक रुकना ना पड़ता। मेरे देखे वैज्ञानिक हिसाब से 14 वर्ष की उम्र में काम वासना शुरू होती, पकती, और 42 वर्ष की उम्र में अपने आप समाप्त हो जाए अगर व्यक्ति स्वीकार करके शांति से आनंद पूर्वक जिए। अपने आप समाप्त हो जाए। हर 7 वर्ष में परिवर्तन होते। पहले 7 वर्ष में वासना बिल्कुल ही छिपी होती। 7 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र में हल्की हल्की झलके आनी शुरू होती। समझ में नहीं पड़ता बच्चे की कि क्या हो रहा है, लेकिन हल्की हल्की झलके आनी शुरू होती, उसमें उत्सुकता जगने लगती। 14 वर्ष की उम्र तक वासना पक जाती, प्रकट होने को तैयार हो जाती। मगर हमने जो व्यवस्था बनाई है वो बड़ी बेहूदी अवैज्ञानिक है। जब बच्चा काम वासना से तैयार हो जाता 14 साल का, तब हम उसे दमन शुरू करवाते। विवाह तो होगा 24 साल में कि 25 साल में कि 30 साल में। 14 साल से लेकर और 24 साल तक 10 साल के फासले में वासना का क्या होगा? दबाएगा बच्चा और दबाने से रुग्ण होगा। तो वासना स्वप्न में प्रविष्ट हो जाएगी या कोई विकृत प्रक्रिया पकड़ लेगा वासना को प्रकट करने की। यह तुम्हें जान लेना चाहिए कि 18 वर्ष की उम्र में वासना सबसे प्रबल वेग लेती है। 17.5 वर्ष की उम्र में ठीक, क्योंकि 14 वर्ष से 21 वर्ष के ठीक मध्य में वासना सर्वाधिक प्रबल होती, उतनी प्रबल फिर कभी नहीं होगी, और उसी वक्त हम दमन करवा रहे हैं। उसी वक्त हम कह रहे हैं कि अभी पढ़ाई में मन लगाओ,
उसी वक्त हम कह रहे हैं कि अभी तो राम भजन करो, उसी वक्त हम दमाने का सारा सारा उपाय कर रहे हैं। फिर तुम्हारे बच्चे अगर विकृत हो जाते हैं, और एक दफे विकृति पकड़ ले तो आसानी से नहीं छूटती। ध्यान रखना, जो प्राकृतिक है वो आसानी से उसके पार जाया जा सकता, जो अप्राकृतिक है उसके पार जाना कठिन हो जाता है, अप्राकृतिक जटिल हो जाता है। और अप्रकृति पैदा हो जानी स्वाभाविक है, हजार तरह की विकृतियां संभव है, और सारी मनुष्य जाति विकृति से भर गई। 24 या 25 साल या 26 साल या जैसे जैसे सभ्यता आगे जा रही, उम्र बढ़ती जा रही विवाह की, क्योंकि इतनी शिक्षा पूरी होगी तब विवाह है। 25 साल और 30 साल के बीच में कभी विवाह होगा। अब मजा यह है कि वासना उतार पर हो गई तब विवाह होगा, जब वासना अपने उद्दाम वेग में थी तब विवाह ना हुआ। अब वासना का वेग क्षीण होने लगा। 17.5 वर्ष में सबसे ऊंचा शिखर छूती है वासना। यह मैं वैज्ञानिक शोध की बात कर रहा हूं, और फिर उसके बाद उतार शुरू हो जाता। 5-7 साल में जब उतार हो गया फिर विवाह होगा। अब विवाह में संभोग तो होगा, लेकिन संभोग से तृप्ति नहीं होगी। वह तृप्ति हो सकती थी 17.5 साल की उम्र में, अब नहीं हो सकती। अब वेग ही नहीं है इतना कि तृप्ति हो सके। अब भूख ही इतनी गहरी नहीं है कि तृप्ति हो सके। अब तुम्हारी वासना फुसफुसी हो गई। अब यह फुसफुसी वासना जिंदगी भर पीछा करेगी। तृप्त हो गई होती तो कभी तुम इसके छूट गए होते, कभी के छूट गए होते, मगर तृप्त नहीं हो पाएगी। और हर बार जब वासना में उतरोगे, आनंद तो कोई भी अनुभव नहीं होगा, और विषाद अनुभव होगा पीछे कि शक्ति भी खोई, कुछ पाया भी नहीं। ये कैसी पशुता में मैं उतरता हूं? तो निंदा और घनी होती जाएगी। जितनी निंदा घनी होगी उतने ही तुम उतरोगे तो जरूर, और अपने को चाहोगे कि न उतरता तो अच्छा था। तुम्हारे भीतर विरोध खड़ा हो जाएगा, द्वंद्व खड़ा हो जाएगा, एक हिस्सा जाएगा और एक हिस्सा खींचेगा। ये ऐसा हुआ जैसे बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत दिए और लगे फटकारने बैलों को, दोनों तरफ बैलगाड़ी के अस्थि पंजर उखड़ जाएंगे। वही तुम्हारी दशा हो गई, वही सारी मनुष्यता की दशा हो गई। तृप्ति से मुक्ति संभव है, अतृप्ति से कभी कोई मुक्त नहीं होता। अब रोज रोज तुम्हारी वासना क्षीण होती जाएगी और रोज रोज तुम्हारा विषाद घना होता जाएगा। अब 42 वर्ष में तो क्या, 82 वर्ष में भी छुटकारा संभव नहीं। अब तो तुम मरते दम तक वासना में ही दबे दबे मरोगे, और तब तुम्हें पंडितों पुरोहितों साधु संतों की बातें बिल्कुल ठीक मालूम होंगी। ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो कहते हैं कि वासना सिर्फ दुख है, और तुम्हारा अनुभव भी कहेगा कि हां दुख है। अब ये बड़ा अद्भुत तर्क हो गया, उन्हीं ने ऐसा जाल रचा कि वासना दुख हो जाए, और तुम्हारा भी अनुभव अब यही कहेगा कि वासना दुख है। तो संत ठीक ही कहते हैं, इसलिए मेरे जैसे लोगों की बात तुम्हारी समझ में ना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा अनुभव मेरे विपरीत है। मैं कहता हूं वासना परम आनंद है, मगर तुम राजी नहीं हो सकते। तुम कहोगे किससे कह रहे हैं आप? और लोग समझते हैं कि उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए इसलिए उन्होंने वासना को जाना है। बच्चे पैदा करने के लिए वासना जानने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे पैदा करना तो इतना सरल काम है, गधे घोड़े भी कर रहे हैं, इसलिए कोई जानकारी या होश की जरूरत नहीं है। बच्चे पैदा करना तो इतना सरल काम है जैसे बटन दबा के बिजली जला देना। लेकिन क्या तुम समझते हो कि बटन दबा के बिजली जला ली तो तुम समझ गए कि बिजली क्या है? बिजली क्या है ये तुम नहीं समझ जाओगे बटन दबाने से। बिजली को जानना तो एक बड़ी गहन यात्रा है।
बड़ी लंबी यात्रा है। अभी भी वैज्ञानिक रहस्य को खोल नहीं पाए हैं कि बिजली क्या है। उपयोग सीख गए, बिजली से हजार काम लेने लगे, लेकिन बिजली क्या है इसका उत्तर अभी विज्ञान के पास नहीं। और काम वासना जीवंत बिजली है, जीवंत विद्युत है। वो विद्युत का और भी ऊपरी और भी आगे का कदम है, आगे का पड़ाव है। अभी तो भौतिक विद्युत का भी रहस्य नहीं खुल पाया है, तो जैविक विद्युत का, बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी का रहस्य तो अभी बहुत दूर है। अभी तो उस पर काम भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन कोई बच्चे पैदा कर लेता, बच्चे तो तुम दर्जनों पैदा कर लेते। जितना ना समझ आदमी हो उतने बच्चे पैदा कर लेता। बच्चे पैदा करने में क्या है? लेकिन बच्चे पैदा करने वाला सोचने लगता है कि मैं वासना को जानता हूं, और छुटकारा नहीं हुआ अभी तक। वासना को तुम नहीं जानते। वासना को जानने का शास्त्र है, वासना को जानने की कला है, उसी कला का नाम तंत्र है। उसके बड़े सूक्ष्म उपाय हैं, विधियां हैं। मैं चाहता हूं कि लोग तंत्र की विधियां समझें, सीखें, मगर जिनको मैं समझाना चाहता हूं, जिनको मैं सिखाना चाहता हूं, जो सीखकर वासना से मुक्त हो सकते हैं, वो ही प्रस्तावन करते हैं कि मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। और उनको भी मैं कसूर नहीं दे सकता, उनका अनुभव उनसे यही कहता है कि वासना में क्या सुख है, वासना तो नरक है। हालांकि नरक कहकर के वो मुक्त नहीं हुए। राधा रमन, तुम्हारी अवस्था तुम्हारी ही नहीं है, करीब करीब 99% मनुष्यता की। और जैसे तुम कहते हो कि मैं हृदय की वेदना व्यक्त करना चाहता हूं, जो कि मैंने आज तक किसी से व्यक्त नहीं की, ऐसे ही और भी लोग हैं जो किसी से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। करें भी क्या, अपना रोना क्या रोना? और अपना रोना रोएंगे तो लोग हंसेंगे। मजा ये है, अगर तुम किसी से कहोगे कि मैं प्रौढ़ हो गया और वासना से मुक्त नहीं हुआ, तो वो कहेगा अरे अभी तक वासना से मुक्त नहीं हुए। वो ऐसा दिखाएगा जैसे वो तो मुक्त हो गया है, वो ये मौका नहीं छोड़ सकता कि अपने को तुमसे ऊपर रख ले, और तुम्हें ऐसा दीन कर देगा, ऐसा हीन कर देगा कि कहने से सार क्या है। तुम जाके किसी साधु सन्यासी को कहोगे कि मैं भी वासना से मुक्त नहीं हुआ, तो वो कहेगा पशु हो तुम, नारकी हो तुम, कीड़े हो तुम, वो तुम्हें गालियां देगा। तो कहने में सार क्या है? छुपाए रहो अपने दर्द को, छुपाए छुपाए मर जाओ। तुम तो ईमानदार आदमी हो कि तुमने ये निवेदन कर दिया, लेकिन 99% आदमियों की यही अवस्था है। कहते नहीं किसी से, कहना क्या है, कौन समझेगा? लोग हंसेंगे उल्टे, लोग उल्टे अपमान करेंगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी कुछ तो वो भी गिर जाएगी। यहां तो प्रतिष्ठा उनकी है जो दावेदार है। दावा झूठा हो कि सच, इससे कोई सवाल नहीं। दावा ऐसा हो कि कोई उसमें भूल चूक ना पकड़ पाए, बस वासना है भीतर तो रहने दो, बाहर तो ज्ञान की चर्चा करो, वेद की ऋचाएं उद्धृत करो, बाहर तो ब्रह्मचर्य की चर्चा करो। मैं तुम्हारे साधु सन्यासियों को जानता हूं, क्योंकि वो भी जब मेरे पास आते हैं तो उनकी भी पीड़ा यही। तुम ये मत सोचना कि तुम ग्रस्त हो इसलिए तुम्हारी पीड़ा नहीं मिटी। तुम्हारे साधु सन्यासियों की पीड़ा तुमसे भी ज्यादा है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ सुविधा थी, मिट भी जाती, उन्हें तो वह भी सुविधा नहीं। वे तो बिल्कुल जले जा रहे हैं, आंख से भरे। अगर तुम्हारे साधु संन्यासियों की खोपड़ी खोली जाए, छोटी छोटी खिड़की बनाई जाए खोपड़ी में, और उनकी जांच की जाए, तो तुम चकित होगे कि तुम जितना नारकी दृश्य वहां देखोगे तुम्हें कहीं भी दिखाई ना पड़ेगा। तुम खुद भी प्रयोग करके देख सकते हो। रोज तुम भोजन कर लेते हो, फिर तुम भोजन के सपने तो नहीं देखते। एक दिन उपवास करो, उस रात भोजन का सपना देखोगे। दो चार दिन का उपवास करो, भोजन ही भोजन की सोचोगे, और सब सोच विचार खो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं राधा रमन,
काम वासना का विचार भी खो जाएगा। एक 5-7 दिन उपवास करो, भोजन ही भोजन दिखाई पड़ने लगेगा। रास्ते पे निकलोगे तो स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी, होटलें दिखाई पड़ेंगी, होटलों के अक्षर बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेंगे, बोर्ड बिल्कुल पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। रास्ते पे निकलोगे तो और कुछ नहीं, ये भजिए की गंध, ये पकौड़ों की गंध। राह तुम्हें एकदम गंधों से भरी मालूम होगी, भोजन की एक से एक गंध। इसी रास्ते से जिंदगी भर गुजरे थे, ये गंध तुम्हें कभी मालूम ना पड़ी थी क्योंकि पेट भरा था, तृप्त थे तुम। अभी तुम रास्ते से गुजरते हो, स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई पड़ती। तुम्हारे भीतर वासना दबी पड़ी है। तुमने अच्छा किया कि कहा, निवेदन किया, रास्ता बन सकता है, लेकिन रास्ते को बनाने के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें समझनी होगी। तुमने कहा मेरे मन की हालत खंड खंड हो गई, तुमने की है हालत खंड खंड, हो नहीं गई, तुम जिम्मेवार हो, दोष किसी और पर डाला नहीं जा सकता, अंततः तो जिम्मेवारी अपनी। पंडित पुरोहितों को भी दोष टालने से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनकी तुमने मानी, ये तो जिम्मेवारी तुम्हारी। न मानते, मैंने नहीं मानी, मेरे पास अनंत सन्यासी इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने नहीं मानी, तुम भी न मानते, लेकिन अभी भी तुम उनकी ही मान रहे हो। ये प्रश्न भी उनकी ही मान्यता से पैदा हुआ है, ये अड़चन भी उन्होंने दी, ये प्रश्न भी उसी से पैदा हुआ है। तुम कह रहे हो एक तरफ सत्संग का प्रेम और परमात्मा से मिलन की चाहत और दूसरी तरफ भौतिक काम वासना की तरफ हल पल झुकाव, ये दोनों अलग बातें नहीं है। जिन्होंने तुमसे कहा अलग है, उन्होंने तुम्हें गलत समझाया, ये दोनों बिल्कुल एक सी बातें। जिस चाहत से तुमने किसी स्त्री को चाहा है, वही चाहत तो नए पंख लगा के परमात्मा को चाहेगी, विपरीत नहीं। जिस वासना के कारण तुम्हें किसी स्त्री के चेहरे में सौंदर्य दिखाई पड़ा था, उसी के कारण तो तुम्हें किसी कमल में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, चाहत तो वही है। उसी के कारण तो तुम्हें सूर्यास्त में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, रात तारों में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, वही चाहत है। और उसी चाहत से एक दिन तुम्हें ये सारा जगत सौंदर्य से भरपूर मालूम पड़ेगा, तब परमात्मा का अनुभव शुरू होगा। लेकिन तुम कह रहे हो एक तरफ परमात्मा की चाहत और दूसरी तरफ काम वासना की तरफ झुकाव, तुमने इनको विपरीत मान रखा है, वही तुम्हारी भूल हो रही, वही मूल भूल हो रही। और जब मूल भूल हो जाए तो फिर तुम जो भी करोगे वो गलत हो जाएगा, पहला कदम ही गलत पड़ गया। ये दोनों बातें विपरीत नहीं है, ये दोनों बातें अलग अलग दिशाओं में नहीं है, ये एक ही रास्ते के पड़ाव है। काम पहला पड़ाव है, प्रेम दूसरा पड़ाव है, प्रार्थना तीसरा पड़ाव, एक ही रास्ते पर। यही मेरी मौलिक देन है तुम्हारे लिए, ये एक ही रास्ते के पड़ाव है, इसलिए जरा भी चिंता ना लो। खंड खंड तुम अपने आप हुए जा रहे हो अपनी व्याख्या के कारण, मेरी व्याख्या समझो, खंड समाप्त हो गए, इसी क्षण समाप्त हो गए, खंडों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तोड़ना बंद हो गया। वही तो सौंदर्य को चाहता है जो परमात्मा को चाहेगा, वही चाहत, वही प्रेम। माना कि स्त्री में बड़ा स्थूल सौंदर्य है, पुरुष में बड़ा स्थूल सौंदर्य है, और परमात्मा में एक सूक्ष्म सौंदर्य है, सूक्ष्माति सूक्ष्म। लेकिन सौंदर्य तो सौंदर्य है, हीरा जब पहली दफा खोजा जाता है खदान से तो पत्थर जैसा लगता है, सिर्फ जौहरी देख पाते। और मैं तुमसे कहता हूं कि जिसे तुम कामवासना कह रहे हो वो हीरा है। मैं जौहरी की तरह तुमसे कह रहा हूं कि वह हीरा है, उसे काटना होगा, निखारना होगा, उसे साफ सुथरा करना होगा, तब कहीं तुम पहचान पाओगे कि यह हीरा है,
तुम्हें पता है जब पहली दफा कोहनूर हीरा मिला तो जिस आदमी को मिला उसके घर महीनों बच्चे उससे खेलते रहे, क्योंकि समझा कि पत्थर है, कोहनूर हीरा। और कोहनूर हीरे के साथ बड़ी प्यारी कहानी जुड़ी, गोलकुंडा में मिला था। जिस आदमी को मिला था वो एक गरीब किसान था, छोटा सा एक खेत था और खेत में से बहती हुई एक छोटा सा झरना था। उस झरने की रेत में ही उसे एक दिन ये पत्थर चमकता हुआ मिल गया। सोचा, उठा लिया कि बच्चे खेलेंगे, आके बच्चों को दे दिए। बच्चे उससे खेलते भी रहे, वो घर में कभी इस कोने कभी उस कोने पड़ा रहा। कोहनूर हीरा जो अब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के मुकुट में लगा है और जो इस समय दुनिया का सबसे बहुमूल्य हीरा है, जिस कोहनूर के पीछे न मालूम कितने लोगों की जाने गई, उससे बच्चे खेलते रहे, किसी को पता ही ना था। और कहानी अद्भुत है कि उस किसान के घर एक रात एक यात्री फकीर मेहमान हुआ। उस फकीर ने जमानों की बातें की, दूर दूर की, क्योंकि सारी दुनिया घूमा हुआ था। और उसने उस किसान से कहा कि तू भी यहां क्यों समय खराब कर रहा है, मिट्टी में क्यों सिर फोड़ रहा है, ऐसी जगह है जहां सोने की खदाने हैं, हीरों की खदाने हैं, मैं तुझे पता दे देता हूं, तू जा, इतनी मेहनत से तो तू अरबपति हो जाए। तो उसने अपना खेत बेच दिया, जिस खेत में कोहनूर मिला था उसने बेच दिया, और उसी खेत में फिर खदान मिली सबसे बड़ी गोलकुंडा की, जिससे दुनिया के सबसे कीमती हीरे निकले, वो उसने ऐसा दो कोड़ी में बेच दिया, खेत की कीमत में बेच दिया। और खेत को बेच के निकल पड़ा तलाश में, अपने पत्नी बच्चों को कहा कि तुम रुको, मैं जाता हूं धन की तलाश में। कोई 4-5 साल बाद भिकमंगे की हालत में वापस लौटा, वो जो पैसे थे सब खर्च हो गए, न कहीं कोई हीरे की खदाने मिली, न कोई धनी हो पाया, भटक के अपने घर वापस आ गया। लेकिन जिस दिन घर वापस आ गया उसी दिन उसकी आंख खुली, वो हीरा जो बच्चों को खेलने दे गया था। इस 4-5 साल की यात्रा में खदाने तो नहीं मिली, लेकिन हीरों की परख आ गई, हीरे हीरे की धुन सवार रही, जोहरियों के पास बैठा, दुकानदारों के पास बैठा, हीरे देखे, हीरों की परख आ गई। हीरे तो नहीं मिले मगर परख आ गई, और परख आ गई तो हीरे मिल गए, क्योंकि परख ही असली सवाल है। विश्वास ही ना कर सका अपनी आंखों पर कि हीरा मेरे घर में है, और मैं सारी दुनिया में खोजता रहा। फिर लाख उपाय किए कि खेत वापस मिल जाए, लेकिन अब खेत कैसे वापस मिले, खबर उड़ गई। उस खेत में सबसे बड़ी खदान गोलकुंडे की, निजाम हैदराबाद के सम्राट के पास जितने हीरे थे वो सब उसी खदान के हीरे थे, काफी हीरे थे, अभी भी हैं। जब निजाम हैदराबाद अपनी पूरी शान में थे तो उनके पास इतने हीरे थे कि हर वर्ष उन हीरों को धूप देने के लिए 7 छतों पर फैलाना पड़ता था, सिर्फ धूप देने के लिए। फावड़ों से निकालना पड़ता था और फावड़ों से ही वापस कमरों में बंद करना पड़ता था, जैसे हीरे ना हो कंकड़ पत्थर। ये उसी गरीब किसान के खेत में सारे हीरे मिले। तुम्हारी दशा भी उसी गरीब किसान जैसी है, वो जो तुम्हारे खेत में छोटा सा झरना बहता है काम वासना का, वही हीरों की खदान है। परख चाहिए। पहली बात स्मरण रखो, काम वासना परमात्मा की ही तलाश है, और इसलिए काम वासना में तुम सदा पाओगे कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई, क्योंकि तलाश परमात्मा की है। देह से कैसे राजी होगे, अदेही प्रेम चाहिए, अदेही सौंदर्य चाहिए, मगर देह की सीढ़ी बनानी होगी। तुम कहते हो एक तरफ सत्संग का प्रेम और परमात्मा से मिलन की चाहत, और दूसरी तरफ भौतिक कामवासना की तरफ हलपल झुकाओ, इनको दो तरफ मत रखो,
इन्हें एक साथ रखो, ये एक ही यात्रा के पड़ाव है। आज प्रौढ़ावस्था तक उससे छुटकारा नहीं पा सका हूं, इसी गलत विवेचन के कारण छुटकारा नहीं मिला। जरा सा गलत विवेचन हो जाए, इंच भर की गलत भूल हो जाए कि हजारों मील का फासला हो जाता है सत्य से। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि छुटकारा इसलिए नहीं मिला कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की, छुटकारा इसलिए नहीं मिला कि तुमने पूरी कोशिश की, तुमने खूब लड़ाई की अपने से, मगर लड़ाई से छुटकारा नहीं मिलता, बोध से, ध्यान से छुटकारा मिलता है। और छुटकारा शब्द ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि छुटकारे में यह भाव है ही कहीं कि गलत है। छुटकारा ना कहो, अतिक्रमण कहो, पार जाना कहो। समझ आती है तो अधूरी रहती है, वह समझ नहीं, शास्त्रीय समझ है, अनुभवगत नहीं। और स्त्री के शरीर के अनेक अनुभवों के बावजूद भी वृत्ति और ज्यादा तंग करती। स्त्रियों के शरीर के अनुभव से पुरुष मुक्त होता है, पुरुष के शरीर के अनुभव से स्त्री मुक्त होती। सभी अनुभव मुक्तिदायी, मगर अनुभव पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि तुम भीतर लड़ रहे हो। तुम जब स्त्री को आलिंगन भी कर रहे हो तब भी तुम सोच रहे हो कि अरे पापी ये क्या कर रहा है, अरे नारकी ये क्या कर रहा है, सड़ेगा नरक में। वो तुम्हारे संत भीतर से उपदेश दे रहे हैं, वो बीच में खड़े, वो डंडा लिए बीच में ही खड़े रहते, वो तुम्हें मिलने नहीं देते। तुम भीतर निंदा कर रहे हो, कोस रहे हो अपने को, ऐसे कहीं समझ पैदा होगी, अधूरी अधूरी होगी। और अधूरी समझ समझ नहीं, समझ या तो पूरी होती है या नहीं होती, या तो ना समझ या समझ, इन दोनों के बीच में कोई पड़ाव नहीं। तुम समझ को बांट नहीं सकते, तुम ये नहीं कह सकते कि अभी आधी समझ। आधी समझ का क्या मतलब होगा, समझ काटी नहीं जा सकती खंडों में, समझ अखंड है। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारी अड़चन क्या है, क्योंकि वही तो अड़चन सारी मनुष्यता की है। जब स्त्री के पास होते हो तब तुम्हारे सारे संत महंत भीतर स्त्री के विपरीत बोलने लगते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है, ढोल घमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी बोलने लगे तुम्हारे सारे संत महंत। और जब स्त्री से दूर होते हो तब तड़फती है तुम्हारी वासना, तुम्हारी दुविधा मैं जानता हूं, ना घर के ना घाट के। घाट पे होते हो तब घर की याद आती, जब घर होते हो तब घाट की याद आती, धोबी के गधे जैसी तुम्हारी अवस्था हो गई। और ये ऐसा है, जो चीज मिल जाती है उसमें पूरा रस नहीं ले पाते, और जो नहीं मिलती वो मिलनी चाहिए इसकी वासना सताती। जब अभाव रहता है तब मांग, और जब मिलती है कोई चीज तब उसे पूरा जी नहीं पाते, इसलिए सब बटा बटा रह गया है। सब अच्छी कही हुई बातें और सिखावने बाहर ही रह जाती, रह ही जाएंगी, क्योंकि अच्छी बातें अगर बाहर से आती हैं तो बाहर ही रह जाएंगी, सिखावने अगर औरों की हैं तो उधार हैं, बाहर ही रह जाएंगी। असली बात तो भीतर से आती है, जन्मती है भीतर। तुम्हारी बातें अच्छी तुम्हारी नहीं है, किन्हीं औरों की, तुमने उनको गोद ले लिया है, जिसे गोद ले लेते ना लोग। अब किसी ने किसी का बच्चा गोद ले लिया, गोद लेके वो मां हो गई, गोद लेके तुम पिता हो गए, मगर क्या तुम समझते हो कि गोद लिया बच्चा सच में किसी को मां बना सकता है? क्योंकि मां बनने की अनिवार्य प्रक्रिया तो हुई ही नहीं, वो 9 महीने का गर्भ, वो 9 महीने की तकलीफें, वो 9 महीने का बोझ, वो उल्टियां, भोजन का पचना नहीं, रात नींद का ना आना,
वो 9 महीने की पीड़ा कौन झेलेगा? मां बनना कोई मुफ्त में तो नहीं होता, उसके लिए कीमत चुकानी होती। और जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन की पीड़ा, असह पीड़ा। गोद लेके तो तुमने बड़ी होशियारी कर ली, सब झंझट से ही बच गए। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होने में ही दूसरी तरफ मां पैदा होती, बच्चा अकेले पैदा नहीं होता। जब तक बच्चा नहीं था तब तक वह स्त्री स्त्री थी, मां नहीं थी। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन स्त्री में कुछ नया अंग जोड़ा, मां बनी। तो दो पैदा हुए उस दिन, एक तरफ बच्चा पैदा हुआ, एक तरफ मां पैदा हुई। फिर बच्चे का पालना, फिर बच्चे की सारी तकलीफें, फिर रात रात जागना, फिर रात में 10 बार जागना, फिर बच्चे को दूध देना अपने प्राणों से, बच्चे को जोड़े रखना, फिर बच्चे की सब तरह तीमार, सब तरह फिक्र, वो सारा दान, वो सारा प्रेम, वो सारी करुणा, उस सब से मिलके मां बनती है। तुमने होशियारी की, तुमने गणित का काम किया, तुम सारी झंझट से बच गए, तुमने परख नली का शिशु ले लिया कि तुम गए हो किसी और का बच्चा उधार ले लिया। ठीक ऐसी ही घटना ज्ञान के संबंध में भी घटती। असली ज्ञान के लिए तो तुम्हें भीतर बहुत सी पीड़ाएं झेलनी पड़ती, बहुत सी तपस्याएं झेलनी पड़ती, बहुत से अनुभवों से गुजरना पड़ता, निखरना पड़ता, बहुत सी आग झेलनी पड़ती। ज्ञान भीतर पैदा होता है, जैसे गर्भ ऐसे ज्ञान भीतर पैदा होता है। ऐसा ज्ञान मुक्त करता है, ऐसे ज्ञान से तुम सच में ज्ञानी होते हो। एक तरफ ज्ञान जन्मता है, दूसरी तरफ ज्ञानी जन्मता है। लेकिन तुमने उधार ले लिया है ज्ञान, अच्छी सिखावने कहां से लाए हो? किताबों में पढ़ ली। और हो सकता है जिन्होंने किताबों में लिखी उन्होंने और किताबों में पढ़ ली होंगी। उधारी पर उधारी चल रही है। धर्म नगद होता है, उधार धर्म धर्म नहीं होता। इसलिए तुम्हारी अड़चन है राधारमण। तुम कहते सब अच्छी कही बातें और सिखावने बाहर ही रह जाती, रही जाएंगी, बाहर की हैं, बाहर ही रह जाएंगी, भीतर जा भी कैसे सकती? गोद लिया बच्चा, गर्भ में जाएगा कैसे? गर्भ से आया हुआ बच्चा एक बात है, लेकिन अब तुम गोद लिए बच्चे को गर्भ में कैसे ले जाओ? वह तो बाहर ही रहेगा। और बच्चे को चाहे पता चले ना चले, तुम्हें तो सदा पता रहेगा कि अपना नहीं। तुम्हें तो कैसे भूलेगी ये बात कि अपना नहीं? इसे भुलाने का कोई उपाय नहीं। तुम्हारे बीच और बच्चे के बीच एक फासला बना ही रहेगा, संबंध औपचारिक रहेगा, संबंध आत्मिक नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ज्ञान की चिंता ना करो, ध्यान की चिंता करो। ध्यान के गर्भ में ज्ञान का बच्चा जन्मता है, वो तुम्हारे भीतर जन्मेगा। और जब भीतर जन्मेगा तभी भीतर हो सकता है। कहते हो बाहर की सारी सिखावने बाहर रह जाती हैं और मैं वही का वही, वही के वही रहोगे, मगर ईमानदार आदमी हो, सच्ची बात कह रहे हो, लोग कहते ही नहीं ये बात। और सच्ची बात कही है तो रास्ता खुल जाएगा, अब कुछ हो सकता है। बाहर की बातें बाहर ही रहेंगी, तुम वही के वही रहोगे। तुम्हारे भीतर क्रांति तो तब पैदा होगी जब भीतर का दिया जलेगा। मैं तुमसे कहता हूं भीतर का दिया जल सकता है, कोई कारण नहीं। बुद्ध का जला, महावीर का जला, यारी का जला, तुम्हारा जल सकता है। हर एक व्यक्ति भीतर के दिए को लेकर पैदा हुआ है, लेकिन जलाने की प्रक्रियाएं सीखनी होगी, सत्संग करना होगा, साहस करना होगा, किसी जीवंत बुद्ध के साथ चलने का, संन्यस्त होना होगा, शिष्य बनना होगा। और ध्यान रखना, असली गुरु ज्ञान नहीं सिखाता, असली गुरु ध्यान सिखाता है।
और ज्ञान तुम्हारे भीतर पैदा होता है। नकली गुरु ज्ञान सिखाता है और तब सब बातें बाहर की बाहर रह जाती। मैं वही का वही, तुम कहते सब भूलकर लोलुप हो जाता हूं, वासना मन को घेरे रहती, स्वप्न में भी वही चलता है। जिस किस क्रिया से छुटकारा या समता पा सकूं? छुटकारा तो नहीं, छुटकारे की तो भाषा छोड़ दो, अतिक्रमण। समता भी नहीं, अतिक्रमण, क्योंकि समता भी मुर्दा मुर्दा होगी, किसी भांति शांत हो जाए यह आग वासना की। मगर यह आग बड़ी कीमती है, शांत से करना नहीं है, इसी आग के सहारे तो परमात्मा की अग्नि जलानी, इसी चिंगारी से तो पूरे जंगल में आग लगेगी। दबा नहीं देना है, इसे राख नहीं कर देना है, इसी चिंगारी में तो तुम्हारा भविष्य आशा है। इसलिए छुटकारा नहीं, समता नहीं, अतिक्रमण। और अतिक्रमण का उपाय है वासना में ध्यान पूर्वक जाओ, समग्र रूपेण जाओ, और अभी भी देर नहीं हो गई है। ऐसे तो देर हो गई मगर अब जो हुआ हुआ, अभी भी देर नहीं हो गई। और सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अगर मरते मरते क्षण तक भी वासना का अतिक्रमण हो गया तो समझना कि घर आ गए, यह हो सकता है। भूले भटके तुम ठीक जगह आ गए हो जहां यह हो सकता है, लेकिन साहस तो करना होगा, सस्ते में नहीं होगा। तुम चाहो कि मेरी बातें सुन हो जाए तो नहीं होगा, मैं जो कहता हूं वह करोगे तो हो सकता है।